दोस्तों वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है यार। थोड़ा सा ब्रेक ले लिए थे और अब हम लोगों को जो है काम करने में मन लगने लगा है। आप लोग देख सकते हैं अभी मैं वर्कशॉप में हूँ। अभी हम लोग का टिफिन हुआ है, टिफिन हम लोग यानी कि कर लिए हैं। देखिए ये मेरा टोकन बन चुका है, ये 131। इसी तरह से आप लोग का भी बनेगा जहाँ भी जाइएगा। हो सकता है बहुत जगह फिंगरप्रिंट सिस्टम भी चलता है। तो मैं थोड़ा सा अपना यानी कि एक्सपीरियंस बताता हूँ, थोड़ा सा यानी कि 10-15 दिन का। तो देखिए अब हम लोग को काम करने में मन लगने लगा है पूरा। शुरुआत में आए थे तो उस समय थोड़ा सा खराब लग रहा था। और बाकी देखिए आप लोग यहाँ पे ये जो पीछे दिख रहा है यही मेरा वर्कशॉप है। ये सब सारा इंजन है, ये सब इंजन देखते होंगे आप लोग को भी लगता होगा कि अभी मतलब जाते हैं यहाँ पे काम करते, लेकिन जब यहाँ आइएगा ना तो एक ही काम मतलब बार बार रहेगा। वर्क 4-5 मेरा रहता है, लाइट चेक करना पड़ता है, जो हेडलाइट होता है ना गाड़ी का हेडलाइट जो यानी कि 2 रहता है, तो आज वो चेंज किया है मैंने। और बाकी अंदर का देखना रहता है, अंदर का कुछ एक वेलो टाइप का रहता है वो चेक करना होता है। बस इतना ही सिंपल है। आते हैं यानी कि 8 बजे आते हैं, हाँ 8:20 में आते हैं, टोकन उठाते हैं यही वाला टोकन उठाते हैं। उसके बाद हो गया 8:20 से यानी कि लगभग 9:30 बजे तक हम लोग का बुकिंग होता है। बुकिंग मतलब काम वगैरह ये सब कुछ मिलता है कि किसको किसको क्या क्या काम करना है, तो वो सब यानी कि उसके बाद देखते हैं, उसको अपना काम में लग जाते हैं। फिर लगभग वही यानी कि 30 से 40 मिनट में जो भी काम रहता है आसान काम ही रहता है, कोई यहाँ पे भारी काम नहीं है, तो वो सब सारा कुछ हम लोग का यानी कि कंप्लीट हो जाता है 30 से 40 मिनट में। 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यानी कि दिन भर जो है यानी कि 11:45 तक बैठे रहिए, आपको जहाँ भी बैठना है वहाँ भी बैठ सकते हैं, आराम से बैठते हैं। उसके बाद फिर टिफिन हो जाता है 11:45 से, फिर 11:45 से 1:30 बजे तक हम लोग का टिफिन का टाइम रहता है। हम लोग तो खाना मंगवाते हैं यहाँ पे, आपको बताएंगे किस तरह से हम लोग खाना वगैरह बना रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई वगैरह बना कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो में आपको कुछ बता देते हैं और जानकारी ऐसे हम लोग का। और यहाँ पे हाँ बहुत लोग पूछते हैं कि कैंटीन में कितना पैसा लेते हैं, तो देखिए कैंटीन में 40 रुपये का एक प्लेट मिल जाता है खाना, चावल रहता है, आप रोटी भी ले सकते हैं उसके साथ में, और दाल रहता है, सब्जी रहता है, दो और हो गया सलाद वगैरह हो गया, पापड़ वगैरह सब रहता है, तो 40 रुपये में दे देता है। और बाकी यहाँ से कुछ दूर में है यानी कि 1/2 किलोमीटर दूर में, तो वहाँ पे हम लोग को लगभग 50 रुपये मिलता है। और वहाँ पे थोड़ा सा इससे यानी कि अच्छा यानी कि जो है ना क्वांटिटी मात्रा में थोड़ा सा अधिक मिलता है, जैसे चावल अधिक मिलता है थोड़ा सा, और ये सब हो गया थोड़ा सा अधिक दिया जाता है। और बाकी देखिए यहाँ पर यानी कि आपको सेफ्टी के तौर पर कुछ नहीं मिलेगा, सेफ्टी अपना खुद से लेना पड़ेगा, जैसे चश्मा हो गया, हेलमेट हो गया, जूता हो गया। मैं आपको जूता दिखाता हूँ, मैं यानी कि नया लिया हूँ। तो गाइस इस तरह से जूता रहता है, और मैं आपको थोड़ा सा पीछे से दिखा देता हूँ। ये सब देखिए, ये इंजन है, और वो जो देख रहे हैं ना वही मेरा वर्कशॉप है। यहाँ से आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन वहाँ पे घुसेंगे तो बहुत बड़ा है, उधर से लेकर के पूरा एकदम, और उधर से लेकर के पूरा बहुत बड़ा है यहाँ पे, और पूरा काम होते रहता है यहाँ पे। यानी कि जितना भी सारा इंजन रहता है ना ये सब नंबर में लगा हुआ है, ये सब जितना भी इंजन है सब अंदर जाएगा। उसके बाद सभी का अलग अलग काम रहता है, किसी को लाइट चेक करना है, किसी को यानी कि अंदर में जो भी हो गया यानी कि बहुत सारा चीज रहता है, बहुत सारा मशीन हो गया, मोटर हो गया, सब सारा कुछ यानी कि अलग अलग सभी का काम रहता है। ये सब देखिए यानी कि लाइन का यानी कि अंदर का, बहुत लोग बोलते हैं कि अंदर का दिखाओ, तो अंदर का नहीं दिखा सकते हैं। अंदर का इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि ये सब सिक्योरिटी के लिए यानी कि सेफ्टी पर्पज के लिए नहीं दिखाया जाता है, इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ। तो आप लोग समझ जाइएगा नहीं दिखाने का कारण। बाकी बहुत लोगों का भी सेकंड मेरिट लिस्ट आया है, तो आप लोग किसका किसका आया है देखते होंगे वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ये सब करके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आइएगा तो ये सब जानकारी आपको पता चल जाएगा। और हाँ देखिए आप जब भी शुरुआत में आइएगा ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, जैसे यहाँ पे रहते हैं कोई कोई ने, तो देखते हैं कि ये लड़का काम करने पाएगा क्या नहीं पाएगा। इसी तरह से यानी कि हम लोग को भी 2-3 दिन उधर सफाई वाला यानी कि दिखाए थे आपको वीडियो, उस समय बहुत खराब लग रहा था यार, बहुत खराब। लेकिन अब जैसे है कि सारा लोग से यानी कि दोस्ती हो गया है, सारा कुछ हो गया, काम वगैरह सब कुछ पता चल गया है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, पूरा आराम ही आराम है। और हाँ मैंने आपको बताया यानी कि 12 बजे फिर यानी कि 11:45 टिफिन होता है, उसके बाद जो है 1:30 बजे जाते हैं, उसके फिर से कोई काम वगैरह अगर है तो काम मिलता है, नहीं अगर काम है तो फिर वैसे ही बस बैठे रहते हैं। उसी तरह से फिर 4:45 में ये टोकन जो आपको दिख रहा है ये वाला 131 ये वाला फिर 4:45 में जमा करते हैं, उसको फिर से चलते हैं हम लोग रूम जा करके थोड़ा सा यानी कि जाते हैं टेस्ट देने के लिए, ग्रुप डी का टेस्ट यानी कि यहाँ से लगभग 400-500 मीटर दूर में है। और हाँ मैंने फाइनली रूम भी अपना चेंज कर लिया, रेंट पर ले लिया है, तो सब सारा कुछ आपको अब रेगुलर वीडियो में दिखाते रहेंगे कि हम लोग रूम रेंट कैसे है, कैसे खाना वगैरह सब बनाते हैं, क्या खाना कहाँ से मंगवाते हैं सारा कुछ आपको दिखाएंगे, कितना खर्चा वगैरह होता है सारा कुछ दिखाएंगे। ठीक है आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, 1000 का टारगेट है, जल्दी पूरा कीजिए आप लोग। ठीक है जिस तरह से उसमें यानी कि
किए हैं उस तरह से, इसमें भी आप लोग अपना आने की पावर दिखाइए और लगे रहिए। और बाकी मैं आपको कोशिश करूंगा अधिक से अधिक जानकारी देने का, और बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग हमसे बेफिक्र पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी हमको आने की आ रहा है, जो भी जान रहे हैं, वो सारा कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।